Good morning student. Today I am going to discuss about some basic topic in English grammar that is alphabet. Students, you must read about alphabet in previous class, but today we will get more information about alphabet. So let's start our classes. Here you can see a topic alphabet. First of all, I would like to define about alphabet. You can see I have written in copy. Look. ए सेट ऑफ़ letters इन अ fixed ऑर्डर that वी यूज when वी आर राइटिंग अ लैंग्वेज ये जो अल्फ़ाबेट होता है ये लेटर का एक सेट होता है और ये फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा रहता है जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखने में प्रयोग करते हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज बनता कैसे है यही लेटर से वर्ड बनता है वर्ड से सेंटेंसेज बनते हैं और सेंटेंसेज से फिर पैराग्राफ बनता है इन नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी आई हैव रिटर्न देयर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर इन द इंग्लिश अल्फावेट इंग्लिश अल्फ़ावेट में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं इन ये बातें तो आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताई गई होंगी ठीक है अब है थर्ड पॉइंट वी कैन राइट अल्फ़ावेट लेटर्स इन टू वे अफावेट लेटर्स को दो तरीके से लिखा जा सकता है फर्स्ट वे इज कैप्टे लेटर एंड सेकेंड वे इज स्मॉल लेटर यू कैन सी हेयर हाउ कैन यू राइट कैप्टल लेटर एंड हाउ कैन यू राइट स्मॉल लेटर इन नेक्स्ट पेज यू कैन सी अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फ़ावेट

एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जे ये सारे आपके हो गए कॉन्सोनेंट यहाँ पे मैंने नोट में आ, नोट भी कर दिया है देयर आर ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट चलिए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं लेटर्स फाइंड वॉवल्स लेटर्स इन द वर्ड ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें मैं वॉवेल लेटर को इंडिकेट कर रही हूँ ये कैट uh, है हैट हॉट आउल हैं पेन कन जग ड और पेन इन सारे में मैंने बीच में जो है आपका ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है वॉवे लेटर और यहाँ पे आउल में ये भी आ, आ, ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है लेटर जो इंडिकेट कर रहा है आपको वॉवल साउंड को ठीक है थैंक यू बच्चों आपको उसका कुछ करना नहीं है बस एक फेयर कॉपी लेना है इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है और अच्छे तरीके से याद करना आई होप सो कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई हो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू